को स्वागत है आज कार्यक्रम में हम छी अही सबके संगे वीरेंद्र कुमार अखन अपने सब देख रहल छी एम स्टार टेलीविजन और खास कर कार्यक्रम ल क आयल छी हम एम स्टार बहस में छी अपने सबके संगे तना आज कार्यक्रम हमरा सबक जे अतिथि छथि जे जनता समाजवादी पार्टी के जे प्रदेश सांसद उनका देने छै खास कर किया देने छै तई खास तई केंद्रित भ क विशेष चर्चा करब खास कर दलित महिला छथिन जे अहा के चर्चा परचर्चा में बेर-बेर रहै छथिन अहा के जे हुनका हमरा नै बुझाय कोई नै चिन्है जत अहा के ललिता विद्रोही दा जी छथि जे आज कार्यक्रम हमरा सबके जे ललिता जी अपने के बहुत बहुत स्वागत है जे एम स्टार टेलीविजन के प्रसारित कार्यक्रम स्टार बहस में अपने के धन्यवाद वीरेंद्र जी जी हम ललिता विद्रोही जी हमर घर भेल लहन एक नंबर वार्ड और हम जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य सेहो छी जी जी एक बात ही कहो ललिता विद्रोही जी जे खास कर जे अपने के नाम से जुड़ल छे विद्रोही अगर कारण की भ सके या विद्रोही खास कर ई वर्ड अपने आप में आ के एक क्रांतिकारी शब्द है और हम जे से सब दिन अपना सब के समाज में जे भ रहल छे अन्याय अत्याचार सब जे कतो माने जन्मलिए त बेटा बेटी में विभेद तेकर बाद कने नमहर भेलिए तब जातो के विभेद सहलिए आब तेकर बाद कने नमहर भेलिए त धनी गरीब में अनेक किसिम के विभेद सब जे से अपना सब के समाज में जे देखलिए उस चीज हमरा नेक पसंद पड़ल तो वही सब के जे से विरुद्ध में हम हरदम जे से संघर्ष करते रहिए और एना करते करते मधेश आंदोलन में हम जे से अहा के बढ़िया भूमिका निर्वाह के लिए मधेश आंदोलन में सशक्त रूप से हम रहे छलिए अपन भूमिका निर्वाह करे तो वही मासे में से हमरा साथी सब विद्रोही कह लागल कि कनी हमर क्रांतिकारी परफॉर्मेंस भेला कारण से हमरा सब विद्रोही कह लागल तेकर बाद हम ए चीज के हम एक्सेप्ट के लिए हम एकरा आत्मसात क के ई नाम के हमरा जब जनता प्रेम से देल के हमरा ई नाम उ नाम के हम अपन जे से सीना से लगा खई ग्राम नाम के हम पहचान बना ले जी खास कर ललिता विद्रोही अपने जी अपने के बेर बेर चर्चा में आवे के कारण की भ सकी अब बेर बेर चर्चा में आवे के उ की छे हम नहीं कह सकब हम चर्चा में आवे खातिर कोनो काम करबो नहीं करे छी हमर आदत की है आ के जे कोई दुख में है पीड़ा में है हमरा नहीं बर्दाश्त होत रहे आ के चाहे महिला रहे चाहे दलित रहे अब दलित छिए हम तो दलित हम अपने से तने भ गेले ओई में हमर कोन कमी कमजोरी कोन गलती है हम दलित समुदाय में जन्म लेली ओ कारण से जे हमरा साथ कोई विभेद करते कोई अन्याय अत्याचार करते तो ई चीज या ककरो साथ करते तो ई चीज हमरा नहीं बर्दाश्त होय जेना कि महिला छे महिला भ क जन्म लेलिए तो महिला जे से जन्म में ओकरा कोन गलती है महिला पुरुष दोनों चाहिए जते महिला के जरूरत है पुरुष के ओतबे त पुरुषो के महिला के जरूरत है ने ते दुआरे एक दूसरे के परिपूरक होय छे फिर भी जे से दू रंग के व्यवहार केला दोनों महिला और पुरुष दोनों जे से बराबर रूप में हक अधिकार और स्वतंत्रता के साथ बाचिक अधिकार होक चाहिए ना ओतबे ने कि आहे के ए देश में ए धरती पर जते भी मानव है हर एक मानव के जे से सम्मान पूर्वक जिए के अधिकार छे से हम चाहत रह छी और जब भी हम कोनो भी अन्याय अत्याचार होय छै ओमे हमर अहम भूमिका रहे छै जे हमरा तक जे पहुँचे छै जे समस्या सब तो ओमे हम चुप लय कऽ नै बैठै छी बल्कि हमरा चाहे पुलिस प्रशासन से हमरा टक्कर लिए पड़े झंझट करऽ पड़े चाहे जतो जे करऽ पड़े चाहे समाज में हमरा अपवाद बनऽ पड़े हम कहियो पछाड़ी नै जी एक बात अपने जे अखन कहलिए ललिता विद्रोही जी जे पुलिस प्रशासन संगे अपने के जे टकराव यदि करऽ पड़ै छै त अपने टकरा जाय छै लेकिन टकराव के कारण की भ सकै अपने टकरा छै कि अपने अपने एहि दुआरे टकरा खास कर अपने महिला भगा डर नै लगत रहै अपने टकराय छै हुनका सब संगे त आब देखियो एकटा बात त मतलब सब के मन में राखत चाहिए कि जीवन के सत्य कथि छै अंतिम गंतव्य मृत्यु जन्म ले लिए त एक दिन मरबे त हम डरते के केला मरबे एक बेर मरबे ई बात केला ना हमरा दिमाग में हम एक्सेप्ट केला ना क लेबे जहिया मरबे मरबे तब डर डर के केला मरबे अन्याय केला सहबे ते दुआर ते हमने डराई छी जे हेते जो होगा देखा जाएगा जे हेते भोग लेबे लेकिन हम अपन आत्मा तो हमरा गर्व करते ने जे ललिता तू ठीक के लगे के हमरा आत्मे आ खास कर अपने के जनता समाजवादी पार्टी जे छै अपने के खास कर देखल गेले जे अपने के महिला दिशा से वो दलित महिला दिशा से जे अपने के प्रदेश सांसद दिशा किया देल किया अब
पार्टी के बुझाएल हेते कि कहीं दलित समुदाय के लिए हम कहूँ बढ़िया कर सके छी कि तो हमरा चुनने हेते और दलित है तो लेकिन मुद्दा अहीं के किया आप से तो पार्टी जाने हम नहीं कह सकब से पार्टी हमरा मूल्यांकन केला हम निरंतर पार्टी में खटि रहल छी और साथी सब खटैत हेता मुदा पार्टी हमरा सर्वसहमति से क्षेत्र से लऽ कऽ जिला से लऽ कऽ प्रदेश से लऽ कऽ केंद्र तक के हरेक जिला के साथी सब दूसरों प्रदेश के साथी सब नेतागण सब हमरा समर्थन में सपोर्ट केने छथि तो पार्टी देलखिन हमरा मुदा हमर हमरे किया दलके अइ के लेल हम ई कोनो जवाब नै दे सकै छी एकर जवाब तो पार्टी दे जी खास कर ललिता विद्रोही जी जे अपने राजनीति में कहिया एले जनता जानना चाहिए अपने संगे राजनीति में हम अपने के छोटे से हम बहुत इंटरेस्ट राखे छली मुदा एकटा गांव में जन्म लेने रही जे जन गांव में दू तीनों क्लास तक बेटी के पढ़े नै दे ते टाइम में आ अभी हमरा के 36 वर्ष हमर उम्र भेले हमरा शादी के अहाँ के 21 वर्ष भ गेले 15 साल में हमर शादी भेले मुदा छोट से हमर बहुत इंटरेस्ट पढ़ लिख के हम अपन पहचान बनाबी कोनो बढ़िया जगह में पहुंची के लेकिन हम जे से ओहो में हमरा बहुत बाधा व्यवधान सब आबे छल त हम जे से अहाँ के तैयो हमने अपन पथ छोड़लिए लेकिन हमरा अब हम पढ़ लिख के कुछ बनी उमेर पुगा के शादी हुए हमर से चाहना रहा लेकिन कोई ने हमर आवाज सुन दिलक तो फिर हमरा कम उमेर में शादी भी कर दिलक फिर भी हम अपन शिक्षा के हम जारी रख ली और अपन जे से पहचान बनावे के लिए हम कोनो चुकने के लिए हरेक संघर्ष के साथ साथ हम अपन पहचान बनावे के लेल अगाड़ी बढ़त रहली और वही के दरमियान में जैसे अहाँ के बहुत अन्याय अत्याचार हमरो भोग पड़ल है तो बहुत अन्याय अत्याचार हम दूसरों के भोगत देखने छे तो ये चीज सब कैला है कौन कारण से भ रहल है ये चीज के तलाश और ओकर समाधान के खोजे खातिर हमरा बुझाल की राजनीति में हमरा आवे जी खास कर जे अपने जखन विवाह भंगले अपने के जखन सासुर गेले तो सासुर दिशा से राजनीति में आवे के लिए कते सपोर्ट केलक अपने के आप देखियो बेटी के बेटा के नहीं कोई कहे छे अपना सब के समाज में राजनीति करेला बेटा हमर बेटा डॉक्टर बने इंजीनियर बने नेता सब भी चाहत रहे छे हमर बेटा बड़का जगह में पहुंचे लेकिन ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जाए मुदा नेता नहीं बने कोई नहीं चाहत रहे छे हमर धियापुता नेता बने तो स्वाभाविक है एकटा हम दलित ओहो में महिला ओहो में मधेशी समाज में हम जैसे एकटा कन्या बहुरिया भकर जब राजनीति में अयली तो अपने ही सोच सके छे कि शुरुआत में हमरा बहुत किस्म के बाधा व्यवधान सब भेले राजनीति के कारण राजनीति के तो कोई रो नाम के चीज नहीं सुनना चाहे छे हमरो परिवार में मुदा जब देखल के धीरे धीरे की बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहल है अगाड़ी बढ़ रहल है अब ई हमहु हेहर जका जैसे जे हेते से हेते सब चीज बर्दाश्त करके से हम राजनीति के पथ नहीं छोड़लिए हम अपन डिग्री का अपन जैसे करते रहिए और जनता के सेवा में समर्पित रहिए तो लास्ट में घर परिवार भी अखन सपोर्ट कर रहा है जी अपने राजनीति में लिए तो सबसे पहले जनता समाजवादी पार्टी से प्रवेश केने रहे कि आन पार्टी में से अपने पहले प्रवेश केने रहे खास कर के तो मधेश आंदोलन से हम आयल छी जी तो मधेश आंदोलन में जैसे हमरा बढ़िया लागल विचार सब मुद्दा सब तो हम सोचलिए कि से में सपोर्ट करे पड़ते और मधेश आंदोलन के जैसे सफल बनावे पड़ते कि हम मधेश आंदोलन में एलिए मधेश आंदोलन से जैसे स्वतंत्र रूप से मधेश आंदोलन में घूमल रहिए घूमते घूमते जैसे राष्ट्राध्यक्ष उपेंद्र यादव जी स्वयं अपने से हमारा पार्टी प्रवेश करोला और तहिया से निरंतर लगले रही मुदा अब छोट न माने स्थानीय साथी सब के तनी मनी भ जाए छे तो बीच में जे से हम ऐसे पहले एक चोटी माओवादी में हम चल गए रहे बहका में पेड़ का वो मिस्टेक रहे हमारे लेकिन फिर हम रिटर्न जल्दी भ गेली जसपा अपने के जसपा और माओवादी में की अंतर अपने देखलिए माओवादी में देखियो माओवादी जसपा जे छै ना माओवादी जे से पूरा देश के मुद्दा लक उठले ना ओई में सबसे ज्यादा बलिदानी और सबसे ज्यादा लगानी मा क्षति मधेसे के पेहोर पड़ल छे लेकिन जे मधेस के सपना देखौने रहे उ पूरा नहीं कर सकले प्रचंड जी तकर बाद जे से उपेंद्र यादव के उदय भेल छे मधेस में और तकर बाद हुनका नेतृत्व में जे से संघीय समाजवादी फोरम के जे से जन्म भेले स्थापना भेले और ओय तहत जे से मधेस के
एक एक जनता के जे से छुटिया क क्लियर रूप में उपेंद्र यादव जी सबके अहक अधिकार के लिए उठा टांग रोलखिन सदन में पार्लियामेंट में तब जे से ते द्वारा पे हम आके मधेश के हित में या और देश के हर एक उत्पीड़ित समुदाय के हक हित में सच में साचे में जे से परिवर्तन कोई कह सके है तो उपेंद्र यादव से उपेंद्र यादव तो बेर बेर जनता सब आरोप लगवाई छे जे मधेश के जे एजेंडा सब रहथिन वो सब मांग सब मुदा वो पूरा छोड़ देल के अइ तरह के उपराग सब रहै छे जनता सब याद खाली छोड़ देने सब दिना तो नागरिकता विधेयक के लेल तो आवाज उठते छे ओइ खातिर तो उपेंद्र यादव जी आ के मंत्री तक भी राजीनामा ठोकने छे से तो था है और सरकार में भी कई बार नहीं जाए के प्रयास कल के लेकिन कईयो सरकारों में गल छे तो आ के ई प्रतिबद्धता भेल छे समझौता भेल छे जे मधेश के मुद्दा के जे से संबोधन हेते समाधान हेते के कल गल छे ठीक तो ई उपेंद्र यादव जी के तनी था छले हमरा ठीक ला लेकिन कब क्या बेर जहां के जब आ के प्रेम से भर रहल छे आ के हक मिल रहल है आहां के विद्रोह करे के कोन जरूरी है तो ई उपेंद्र यादव जी छथि जे एकदम धैर्यवान और विद्वान लोग छथि जे बहुत सोच विचार क क्षति न होने गरी प्रगति होय कहि के हुनकर चाहना छे लेकिन आब कतौ ठका जाय छे कतौ ठकि लै छे कोई ओहिमे हुनकर की कोन गलती छे उपेंद्र यादव जी पर बेर बेर आरोप लगैत रहै छै जे तरह से वो काज करबाक चाहिए नहीं कर पाए सकल लेकिन मुदा जेकर परिणाम अखन जे चुनाव में जनता सब मतलब उनका हराबे के बड़का भूमिका देखल गेलै जनता सब के ऊपर आते संदर्भ में की करबै एकदम सही बात है देखियो जनता ने हरौने छै उपेंद्र यादव जी के एकर प्रमाण हम दै छी देखो राज विराज में चुनाव से एक के दिन दुए दिन अगाड़ी अहाँ के केहन भीड़ रहे लागल सीन तो याद है ना वो भीड़ की कहे छले भारी मत से उपेंद्र यादव चुनाव जीतते कह के वो भीड़ देखा रहल छे ओहिने त नै चलते जनता वो भेड़ा बकरा देखा कि विचार है उपेंद्र यादव के जीतबे के इच्छा रहे तब ने राजबिलाज में ओते बड़का भेला भेल रहे ओते बड़का जे से मेला भेल रहे लेकिन हुनका एकाएक हरावे के बहुत बड़का षड्यंत्र भेल छे आ के जना कि कांग्रेस के उम्मीदवार छले ओठाम कांग्रेस के उम्मीदवार के जे से समर्थन करल गेल है सी के राउत जी के आ ओतबे नहीं कि यहाँ के बहुत षड्यंत्र देश और विदेश के षड्यंत्र भारी षड्यंत्र क के उपेंद्र यादव जी के हरल गेल छे और सी के राउत जी के जीतल गेल छे अइ दुआरे कि संघीयता के पक्षधर हरदम रहे छे ई लड़त मधेश मधेसी दलित त महिला त एकर अधिकार दिए पड़तौ नागरिकता के सवाल में जते भी सवाल है यहाँ के देशे भर के उत्पीड़ित समुदाय के वही सवाल में हरदम जैसे सदन में टांग अड़बे वाला लड़े वाला एकेटा सेना छे उपेंद्र यादव एक जैसे डैमेज कर देवे तो जे जे मन हेतु से करबे ते दुआरे आ देशों विदेशों के प्रभाव में उपेंद्र जी कहियो नहीं पड़ला स्वाभिमानी छथि ईमानदार छथि कतौ झुकैला नहीं जाने छथि ते दुआरे जैसे हुनका उपेंद्र यादव जी चुनाव पराजय नहीं भेल छथि हुनका पराजय करायल गेल छै अपना हमरा सब सबसे बड़का आंकड़ा जे छै जनता सब एकटा उपराग छै जे खास कर उपेंद्र यादव के जे जनता समाजवादी पार्टी छै ओहिमे अहाँके जिला अध्यक्ष ओकरा सबके यादव समुदाय के मात्र देखल जाइ छै आन समुदाय के नहि रहै छै फिर अपने कहै छै कोन हिसाब से ई भ सकै छै अहाँके एना है देखियो आब जनता समाजवादी पार्टी नेपाल में बेसी क के यादव सब जे नेतृत्व करै छै और यादव समुदाय के लोग सब ज्यादा आबै छै छै त जिम्मेवारी लै के लेल फिर बहनो कर पड़ले ने अहाँ के जिम्मेवारी द देते एगो केकरो द देते तो नहीं जे बहन कर सकले जिम्मेवारी के तो वो तो फिर विफल हेतै ते दुआरे आब जात पात में नहीं जाकर जिम्मेवारी ककरो दिल के निक से बहन कल के सबके समेट कर चल तो भ गए आब ये कहे तो और जगह में जना कि अहाँ के जब सांसद बाट फाट हो जना कि अहाँ के समानुपातिक सांसद सब तखन में तो अहाँ के पूरे सबसे बेसी अहाँ के समानुपातिक समावेशिकता में जोड़ तो उपेंद्र यादव जी के नमूना सब छ मुस्लिम के लोग के राजनीति में अहाँ के सत्ता में अहाँ के दलित के लोग के अहाँ के विभिन्न पीड़ित समय पीड़ित समुदाय सब के लोने छथि तो ई काम तो नहीं देखे दूसर पार्टी और इससे पहले तो अहाँ के कांग्रेस तो युगो वर्षों सब में 70 बरस से करीब करीब चलबे छले ने देश अहाँ के नेकपा एमाले भी अहाँ के 30-40 बरस से चलबे छले ने
लेकिन अहाँके कहाँ कहियो महिला के सवाल उठबै छलै, कहाँ कहियो अहाँके दलित के सवाल उठबै छलै जे दलितो नेता बनक चाहिए, दलितों के अधिकार छे सरकार के सत्ता में और समावेशिता में आरक्षण में, कहाँ कहियो कोई सवाल उठबै छलै। ई सवाल उठबै वाला कोई एकटा है एहि देश में नेता, तो हीरो भूपेन्द्र यादव। वैसे बोले तो माओवाद में माओवादी काल में जो पड़चन ये सारा मुद्दा सब उठने रहे, जातीय विभेद के बात रहे, समावेशी के बात रहे, अधिकार के बात रहे, अथवा भूमिहीन के बात रहे, अथवा एजेंडा छोड़ दिल के अलग विषय बात, लेकिन वो करे मुद्दा सब रहे। तो मुद्दा तो उठल के ना, मुद्दा उठने रहे बात सही है, मुद्दा जब पूरा करे वाला टाइम मिले तो बिसर गए, तो वही बिसर गए तब ने उदय भेल उपेन्द्र यादव जी के अहाँ के मधेश विद्रोह जो कथी लगे, नहीं तो मधेश विद्रोह हेबे न करते अगर प्रचंडे जी सब टेंशन मुद्दा के जते सपना बांटने रहे सब देश में भर के जनता सब के उत्पीड़ित समुदाय सब के आ कते के मरवा दल के कटवा दल के, तो 17,000 तो देखेला मात्र है कि कहेला मात्र है, वो से ज्यादा जनता सब के मरगो में, लेकिन फिर भी अहाँ के मुद्दा बिसर गए ना, तखन में अहाँ के मधेश आंदोलन विद्रोह भेले, वो विद्रोह अहाँ के उपेन्द्र यादव जी के नेतृत्व में भेल, तो अहाँ के जते सकले संबोधनों भेले, कुछ मुद्दा सब बाकी है वही के लेल जे से संघर्ष में हरदम जनता समाजवादी पार्टी छे। अपने कले जना जन जना आ के बड़का एते बड़का संघर्ष भेले, मधेश आंदोलन भेले, तै में कते अति सब समावेश भेले जे जना मधेशी हक अधिकार सब, मधेश के हक अधिकार सब जना के महिला के लेने है यहाँ के 33%, तै में मधेशियों के यहाँ के परसेंट हिसाब से लेने है जे न्यायपूर्ण ढंग से तहिना अहाँ के सब क्लस्टर हिसाब से अपने देख सकते छी, क्लस्टर हिसाब से सबके जे है से समावेश करू ने है ने अहाँ के संसदीय प्रणाली में, आ तहिन ततबे ने कि आज मधेशी कोटा में केकरो बेटा जाए छे बेटी जाए छे भरे ला जागीरे खाए के लेल, कोनो भी अहाँ के फैकल्टी में तो कोई जाए छे ने, सब कांग्रेसो के धियापुता जाए छे, एमालेओ के धियापुता जाए छे, माओवादियों के जाए छे, जसपो के जाए छे, वही तो नहीं कहने उपेन्द्र यादव जी आप जे हमरे सबके जनता समाजवादी पार्टी में जे लगते ओकरे धियापुता जेते, तो सबके मुनाफा भ रहल है। एक समावेशी के बात अपने कहलिए तो केंद्रीय कार्य समिति में अपने के जब पार्टी में एकटा केंद्रीय कार्य समिति में अपने केंद्रीय सदस्य है, तो दलित सब सब गोटे के कतेक समावेशी छै ओय पार्टी में? दलितों के अहाँ के आवश्यक समावेशी छै, एग्जैक्ट डाटा हम नहीं दे सकब, लेकिन 33% महिला के अहाँ के समावेशी के रूप में है, ओहिमे बहुत दलितो सब है, दलित महिलो सब छै, जनजाति सब छै, अहाँ के सब सब अहाँ के क्लस्टर के समावेशिता, सब से बेसी समावेशिता अहाँ के जनते समाजवादी पार्टी के समिति में भेटत, चाहे मधेश प्रदेश में लिए चाहे केंद्र के यहाँ डाटा लगे। जी, खास करके ललिता विद्रोही जी जे आप बात करिए अपने के जे शिक्षा दीक्षा के लेल, अपने प्रदेश सांसद जे अखन का जे अपने के जनता समाज समाजवादी पार्टी अपने के प्रदेश सांसद के, तो हिसाब से अपने सांसद में जे बे तो वो तो एजुकेशन के आवश्यकता पड़ रहे थे, एजुकेशन की केना छे अपने के? एजुकेशन के तब हम जे से इंटर अंग्रेजी लग पास करके बैचलर हम अध्ययनरत छी, और स्टाफ नर्स पीसीएल नर्सिंग हम 3 वर्ष पढ़ के विराटनगर से हम अहाँ के जागीर भी खा के छोड़ के राजनीति में घूमल छी, तहिना महिला के हक में कहबे तो WHRD में भी हम वर्षों काम केने छी, पत्रकारिता अहाँ के 2 वर्ष के हमरा एक्सपीरियंस अछि, और कला क्षेत्र में भी हमर बहुत योगदान और बहुत जे है से हमर इंटरेस्ट छल, बहुत कुछ कलो क्षेत्र में हम बहुत योगदान देने छी, तो बहुत किस्म के जे है से हमरा सर्वांगीण अनुभव सब है, वही के तहत हम अहाँ के बढ़िया करबे कह सकबे से आशा है, और जे हमरा नहीं पुगते तो और जे से विभिन्न टेक्स्ट सब होइ छे उ सब के सहायता ल क, और अपना से बेसी बुझे वाला व्यक्ति सब से भी हम सर सलाह ल क जे से हम बढ़िया करे के प्रयास करू। खास कर ललिता विद्रोही जी अपने के जे का दलित महिला भ क खास कर के जे महिला सब के की चुनौती सब अपने देखलिए? खास कर दलित महिला सबसे पहले तो कहबे कि देश नेपाल में सबसे पिछड़ल जे है से दलिते समुदाय है, और वो दलितों में जे है से मधेशी दलित सब वो सब महा पिछड़ल छे, और मधेशी दलित में कहबे तो मधेशी दलित महिला सब तो बातें छोड़ दी, मतलब बहुत अनपीढ़ लागत कि एत पिछड़ल छे हमरा सब के समुदाय, लेकिन अहाँ के बहुत जगह केहन है के न, तो दलित समुदाय के शिक्षा में नहीं डोरी आवे छे नेतागण सब, कैला कि जे
शिक्षित भ जेतै तऽ ई सब बुझा लगतै सब बात, हमरा वोट नहि दैत, हमरा जैसे नहि हम हमर कहल जीत में रहत, हमर गुलामी नहीं करत। ताहि दुआरे मालिक सब नेता सब अखन तो मालिक बन कहे के तो आ बहुत दलित सब अहाँ के श्रमजीवी होइ छे, अखन तो छे श्रमजीवी सुकुम्बासी। महिला सब के बात करबे तो महिला सब तो झन सिप में सिप सिप नहीं रहे छे, उनका सब लग बहुत कम लग रहे छे सिप, और आर्थिक अभाव के कारण से उनका सब लग रोजगारी के अभाव के कारण से और चेतना के कमी से एजुकेशन के कमी से अहाँ के बहुत किस्म के समस्या सब छे, जेना कि शिक्षा में समस्या छे, स्वास्थ्य में समस्या छे, रोजगारी में सब समस्या छे, घास बास कपास अहाँ के ट्रैवलिंग हर चीज में संचार सब चीज में समस्या छे दलित महिला सब लग। जी सुरक्षा में सबसे बेसी समस्या छे जी, खास कर अपने जे दलित महिला के कारण से दलित पर बेर बेर घटना होइत रहे छे, जे करनी के घटना से बेर बेर घटित रहे छे, लेकिन सारा जैना के तेना रहे छे, उनका ऊपर जे तरह के उनका पर कार्रवाई भक चाहिए, बहुते घटना सब एहन भेलै कि मुद्दे दर्ता नहीं होइ के देखल गेलै है, बेर बेर अबैत रहे छे, जनता सभा के उपराग रहे छे, लेकिन ई घटना सब के न्यूनीकरण करवा खातिर अथवा केहन किस्म के ई देश में कानून बनवा के चाहिए अपने के हिसाब से? आप देखियो आके नेपाल के कानून सबसे पहले हम केहन देख रहल छिए कि मकरा के जाल जका छे, अब मकरा के एहन जे मकरा के जाल जका ए दुआरे छे कि मकरा के जाल में जे जाल बिनते बिनते मकरा जे जाल में फंस जाए ना, तो आके जे बलगर मकरा रहे है वो आके तोड़ मरोड़ के निकल गेल, आ जे कमजोर हा रहल वही में दम घुट दिल, तो तेह अवस्था है यहाँ के नेपाल के कानून के, जे यहाँ के हुने खाने पहुँच वाला सब छे वो सब यहाँ के किछो करे है तो कोहुना का जैसे घुमा फिरा के कानून के नीच माच के वो निकल गया, आ जे गरीब है जे दलित है जेकर बोले बाला नहीं है जेकर आवाज में कोई कतो पहुँचे है तो ओकरा सबके साथ जैसे अन्याय हुई छे अखन तो भ रहल छे, तो वही चीज पर जैसे हम सरकार के कहबे जोर देवे, हम अपन वही समाज के जैसे आवाज के हम पहुँचेबे कि उनका सबके दलितो महिला सबके आवाज के उनका सबके साथ जे होइ छे अन्याय अत्याचार वही के सशक्त रूप से सरकार आब माने खर्चा ट्रैवलिंग अगर उनका सबके नहीं पुगे छे वही समस्या के खातिर न्याय पावे खातिर तो वही के व्यवस्था भी करे पड़ती सरकार के, से हम बहुत खर्चो डरे पछुआ जात, बहुत अहाँ के डर से पछुआ जात, बहुत अहाँ के जैसे आब बहुत किस्म के दबाव प्रभाव सब रहे छे, तो ये कारण से जैसे दलित सब मुंह बंद करे छे, तो वहन किस्म के उनका सब के बुलंदी बुलंदी जैसे सुरक्षा और उनका सब के सिक्योरिटी और अहाँ के बाकी जैसे जेना कि आर्थिक रूप से केना के सबल हेतै उन सब, तो ते चीज में सरकार जोर देते तो वो चीज न्यूनीकरण हेतै जी। खास कर बेर बेर अपना सबके और घटना महिला से जुड़ल एक अपना सबके दलितों में देखल गेल है, तो दहेज प्रथा एक कलंक के रूप में देखल गेल, मुदा नेपाल सरकार के कानून बनल छे मुदा नेपाल के संदर्भ में, लेकिन कानून पूर्ण रूप से नहीं भेल है, जहिना के तहिना होइ छे व्यवस्था, सत्ता तो परिवर्तन भेल व्यवस्था जहिना के तहिना छे, लेकिन अपने कहले मकड़ा के जाल जेना फंस जाए, लेकिन मकड़ा के जाल काटे के लिए की करे पड़ते अपने के हिसाब से? मकड़ा के जाल काटे के लिए तो जोरगर बलगर मन पड़ते, और कानून के भी देश के भी सुरक्षा से हर चीज के गारंटी लिए पड़ते ना, हर एक जनता के गवर्नमेंट के गारंटी लिए पड़ते ना। आब रह गेले अपने भरकर क्वेश्चन जे केलिए या जे आके मतलब एक बेर दोहरा देल जाए तो क्वेश्चन जी, खास कर जे ये दहेज प्रथा के लगा दहेज प्रथा, ठीक 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 हम कनी कंफ्यूज हो गेलिए, आके दहेज प्रथा एगो बीमारी छे, आके में कानूने टा बनुला से दहेज प्रथा नहीं सकती जी जी, ई गारंटी है, कैला कि कतबो कानून बनो कतबो नियम बनो जब तक आदमी शिक्षित नहीं हेते, जब तक चेतनशील नहीं हेते आदमी, और बेटी के बेटा के सर बेटियों के पढ़ावे लिखावे के लिए फ्रीडम दे के लिए आदमी नहीं जब तक चाहते, और सब अपने आप में बेटी के जो सक्षम नहीं जब तक बनो तब तक दहेज प्रथा जारी रहती, ऐ में अहाँ कथु नहीं कह सकते छी, काना कानी दुनू समझी मिल जाए लो ले दो ले, ते में हमारा पड़ोसिया कौन काम,
उ चीज के अंत करे के लिए जान जेना कि जते पैसा दहेज में दिया वह पैसा लग बेटी के जे अगर किस्ता किस्ता में पढ़ा लिखा के वो सरकारी ऑफिसर या कोनो स्टेट कोनो जे से ओकर स्टैंडर्ड बना दे ओकर जे स्टैंड मजबूत कर दे लड़की के तो अपने मन एक पर एक लड़का सब उते शादी करे ला आखिर लड़का के लड़की तो चाहे तो दहेज दे कौन जरूरी रहती कते द्वार ते सबसे पहले जैसे लड़की सबके बेटी पढ़ाओ आ बेटी बेटी के मजबूत बनाओ कह के वही में जोर नहीं जब तक समाज दे तब तक दहेज अपने हिसाब से बेटी के यदि मजबूत बनावा के लिए अथवा फ्रीडम बढ़वा के लिए केहन किसिम से गार्जियन सबके पेरेंट्स के गाइड करवा के चाहिए अपने हिसाब से आ के बेटी के भी यहाँ के स्कूल पठावा पड़े जेना बेटा के पठावे छे ते किसिम से बेटी के भी स्कूल पठवा पड़े टॉर्चर नहीं दिया पड़े बेटा बेटी में विभेद नहीं करा पड़े फुटबॉल खेले बेटा बेटियों के खेले ला दिया पड़े कैला की वो बेटी के अहाँ के शिक्षित के साथ साथ मजबूत होना भी लड़की के जरूरी छे कैला की डिफेंस सेल्फ डिफेंस के लिए बेटी के मजबूती और अहाँ के मजबूत अहाँ के एकदम सबल होना जरूरी छे तो के लिए जेना बेटा के क्रिकेट खेल खेले ला पठा छे वॉलीबॉल फुटबॉल तहिना लड़कियों के पठब पड़े लड़कियों के बेटा के सरह जैसे व्यवहार करे पड़े हर एक चीज में जैसे बेटा के सरह ओकरा कतो जे बेटी है कहके नहीं है पहले पाव लगे अहाँ के पावक चाही जे दुनू के संतान है हमर बेटा है चाहे बेटी है दुनू के पढ़ेबे दुनू के चाहे जे संघर्ष करे पड़े और अहाँ के अपना देश के विकास के लिए शिक्षा में सबसे ज्यादा जोर देना जरूरी जी खास करके अपना सबके जो महिला सबके देखल गेल तो सबसे बेसी अपने के पूजा पाठ इत्यादि दिशा ध्यान बेसी दे लेकिन बाल बच्चा दिशा में बढ़ावे कारण की भ सके आ दोसर बात तो एक कारो जे ये महिला सबके सबसे बेसी घटना होय के कारण से यहाँ के डायन जोगिन के विभेद ओकरा पर बेर बेर मारे के षड्यंत्र देखल गेल बेर बेर भ रहल छे ज्यादा सबक उपराग रहे छे ओय विषय में अपने की कह सब अहाँ के देखियो डायन जोगिन आब की है बहुत कम ई घटना होइ छै डायन वाला घटना आ बहुत जे है से आब भेल साधारण लड़ाई झगड़ा आब डायन के आरोप में फसा देलक कान मजबूत है तो डायन के आरोप वाला बेसी आबै छै आ वास्तव में डायने के कमारल के पीटल के ओहन किसिम के केल के तो ओकरा जे है से तो उ तो बहुत सशक्त कानून बनल छै ओ हिसाब से कानून बमोजिम में अगाड़ी बढ़े ही ओकर तो सजा हेबे करतै लेकिन कनी पहल कर पड़ी छे कैला की तो अपना सब के देश के कानून एहन ही बर्थे थर अहाँ के जल्दी नहीं टेरत आ जेहन किसिम के घटना भले वही किसिम के जे है से उजुरी होबा चाहिए से हमर जी खास कर दलित समुदाय के अपना सबके गांव घर में देखबे तो जिनका सबके जे घटना घटल रहे छै ओकरा आर्थिक एकदम कमजोर रहे छै तो फिर वो घटना के सामना करे के लेल चुनौती रहे छै बहुत बड़का जे पैसा के आवश्यकता पड़े छै ओय केस के अगाड़ी बढ़ावे के लेल वकील चाहत रहे छै मुदा ओकरा लग पैसा नहीं रहे छै ओय कारण से बैक हुआ पड़े राज्य के कोन हिसाब से ओकरा सुरक्षा देबा के चाहिए कानून दिशा ओकरा अगाड़ी न्याय दिशा ल जाय के चाहिए अपने के हिसाब से जी जेना की आब ओहन आदमी सब के लेल हम तो वह बात ऐसे पहले उठौने छली ना अहाँ के सरकार के व्यवस्था करे पड़ते ओहन ओहन कमजोर लोग सब के लेल आर्थिक रूप से भी और हरेक रूप से जे कमी कमजोर है अबल है ओहन आदमी सब के जे है से अहाँ के सरकार के व्यवस्था करे पड़े आर्थिको व्यवस्था करे पड़े यातायात तो खाजा एताउती जे जौते ओकरा ई नहीं बुझाए जे हमरा ख्या कथी ख्याब आ कत हम केना कौन पैसा लग हम निवेदन लिखा ई ओकरा सब के निवेदन भी फ्री में लिखा चाहिए वो व्यवस्था अहाँ के प्रशासन में पुलिस थाने सब में प्रशासन सब में होबाक चाहिए फ्री में ओकर निवेदन लिखा चाहिए ओकरा चिया खाजा भेटक चाहिए भत्ता भेटक चाहिए एहन पीड़ित सब के जी खास कर देखल गया एकटा और समस्या जे अपना सब के जे महिला संघ तो बनल छे महिला सेल छे दलित महिला संघ किया ने बने छे जे ओ तो के सब दबा के राखल जाय छे जी जरूर जरूर सही बात है कह लिए अपने एकदम इस चीज पर हमरो जैसे मन में लगलाहा बात कह लिए दलित महिला संघ एहि दुआरे बने छे कि दलित महिला सब बहुत अखंतो तक में आके बहुत कम महिला सब सचेत है बहुत कम महिला सब आके चेतनशील भेल है तो एहि दुआरे नहीं बन रहल लेकिन आब हमर इच्छा है कि आब बनते शायद अपने जे खास कर मधेश प्रदेश में एक प्रदेश सांसदी का भाग जा रहा है एक नेत्री भाग एक जुझारू बन के जा रहा है तो अपने केहन किसिम के काज करबे
आप केहन किसिम के काज करबे आब हम हमरा खास कर के पार्टी पहले डिसाइड भ जाए अभी तक हम सांसद बन नहीं गेल छी जी अखन अहाँ के पार्टी के बंद सूची में नाम छी जी पार्टी अभी तक हमरा अब एकदम वैधानिक रूप से जी पार्टी आ सरकार जैसे हमरा वैधानिक रूप से अखन हम सांसद नहीं बन चुकल छी लेकिन अगर हम बन गेली तो हम जैसे खास कर के दलित समुदाय के प्रतिनिधित्व करे ला हम जेबे प्रतिनिधित्व बन के हम जेबे तो दलित समुदाय में की समस्या सब छे ओइ समस्या सब के हम जे से आवाज उठेबे ओकर समाधान के उपाय सब खोजबे बनेबे निकालबे और दलित महिला सब के भी समस्या सब के समाधान सब निकालबे होटल ग्रीनलैंड गोल बाजार को एक मात्र होटल साफा सुंदर व्यवस्थित रम्य दृश्य र फुल डेकोरेट भएको होटल जहाँ गए पछि मनमोहित दृश्य कारण आउने मन नलाग्ने भेज और नॉन भेज आइटम र खाना में थकाली र